दोस्तों, चाहे आप लोग टेनिस क्रिकेट खेलते हो या फिर लेदर क्रिकेट, आप सभी के दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, भाई मेरी बॉलिंग स्पीड कितनी होगी? 110 होगी, 120, 130, 140 या फिर 150? तो दोस्तों, आप लोग फिक्र ना करो, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही सिंपल ट्रिक के बारे में बताऊंगा, जिससे आप लोग अपनी बॉलिंग स्पीड भी कैलकुलेट कर पाओगे। सिर्फ आप लोगों को ये स्मार्टफोन इस्तेमाल करना है और आप लोग आसानी से अपनी बॉलिंग स्पीड कैलकुलेट कर पाओगे। आप सभी को सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, और एंड में मैं आप सभी को अपने बॉलिंग स्पीड के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों, कमाल की वीडियो होने वाली है, आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखो। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं ग्राउंड जाता हूँ और एक बॉलिंग वीडियो शूट कर लेता हूँ, जिससे मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कैसे आप सभी को स्मार्टफोन से अपनी बॉलिंग स्पीड कैलकुलेट करनी है। बस आप लोग एक चीज ध्यान में रखना, आप लोग बॉल का रिलीज और बॉल पिचिंग सही से रिकॉर्ड करनी है आप सभी को। दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे चल जाना है और उसके बाद आप सभी को सर्च करना है बोलोमीटर। बोलोमीटर सर्च करने के बाद आप सभी को इंस्टॉल कर लेना है। तो हम वेट कर लेते हैं जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है। गाइस, जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए, आप सभी को ओपन कर लेना है और बहुत ही इजीली आप लोग अपना बॉलिंग स्पीड कैलकुलेट कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन इंपोर्ट वीडियो पे आप सभी को क्लिक करना है। आप लोग अपनी बॉलिंग की वीडियो सिलेक्ट कर लो। आप सभी को 2 चीज पे ध्यान देना है, एक पहला है रिलीज पॉइंट और दूसरा है रीच पॉइंट। देखो गाइस, जैसे ही रिलीज होगा, आप सभी को रिलीज पॉइंट पे एक बार क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे रिलीज हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रिलीज हो रहा है, तो मैं रिलीज पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा। तो रिलीज पॉइंट गाइस नोट हो गया है। फिर गाइस, आप सभी को रीच पॉइंट पे ध्यान देना है। बॉल जैसे ही गाइस पिच होगा, आप सभी को रीच पॉइंट पे क्लिक कर देना है। देखो गाइस, बॉल रीच हो चुका है, तो हम रीच पॉइंट पे क्लिक करेंगे और देखना आप लोग बॉलिंग स्पीड हमारे सामने आ जाएगा। देखो गाइस, आप सभी ने 118.7 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार आप लोग अपनी बॉलिंग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, तो जल्दी जाओ, आप लोग अपनी बॉलिंग स्पीड कैलकुलेट करो। बस आप लोग रिलीज पॉइंट पे ध्यान देना और रीच पॉइंट पे, जहां दोस्तों जहां पिचिंग होगी बॉल, उस पे आप सभी को ध्यान देना है और आप लोग आसानी से बॉलिंग स्पीड कैलकुलेट कर पाओगे। तो कैलकुलेट करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो दोस्तों, देखा आप सबने कितना सिंपल था बॉलिंग स्पीड मेजर करना। आप लोग जल्दी से ग्राउंड पे जाओ, अपनी बॉलिंग वीडियो शूट करो और कमेंट बॉक्स में अपना स्पीड जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, मेरी बॉलिंग स्पीड के बारे में बात करूं तो मैं एक ऑफ स्पिनर हूं, तो आप लोग मेरी स्पीड का अंदाजा लगा लो। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी अपनी बॉलिंग स्पीड जान पाए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए गाइस, आप लोग जल्दी जाओ, क्रिकेट खेलते रहो ना और मस्त रहो। बाय।